अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो विटामिन सी के बारे में है। इसके स्किन और हेयर के लिए क्या बेनिफिट्स हैं और ये किस तरह से स्किन और हेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इस विटामिन के बेतहाशा फायदे हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि ये किस तरह से स्किन प्रॉब्लम्स जैसे हाइपरपिगमेंटेशन, रिंकल्स, प्रीमेच्योर एजिंग को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। विटामिन सी से एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ये नेचुरली तौर पर मुख्तलिफ सब्जियों और फलों में पाया जाता है। इसके अलावा ये सप्लीमेंट के तौर पे भी अवेलेबल है। हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए इस विटामिन की खास जरूरत होती है, इसलिए ये जरूरी है कि इसकी रिकमेंडेड डोज हम अपनी डेली डाइट में ऐड करें। ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाता है। ये खून की कमी दूर करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, दिल की बीमारियों से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और साथ में जख्म भरने में भी मदद करता है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके स्किन के लिए क्या बेनिफिट्स हैं और इसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि स्किन को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाता है। उर्फ़ में आप समझ सकते हैं कि फ्री रेडिकल्स ऐसे मादे हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से बनते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये फ्री रेडिकल स्किन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। ये स्किन में मौजूद कोलेजन को डैमेज कर देते हैं और ये कोलेजन ही है जिसकी वजह से स्किन फर्म रहती है, यंग रहती है, ग्लो करती है और रिंकल फ्री रहती है। कोलेजन के डैमेज होने की वजह से ही मेनली डिफरेंट किस्म की स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, प्रीमेच्योर एजिंग होना शुरू हो जाती है, स्किन डल हो जाती है, लूज हो जाती है, उसके ऊपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। जहाँ विटामिन सी कोलेजन को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, वहीं पे ये इसके बनाने में भी हेल्प करता है। कोलेजन एक प्रोटीन है और ये हमारी स्किन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसकी वजह से स्किन हाइड्रेट रहती है, स्मूथ और यंग रहती है, झुर्रियाँ नहीं पड़ती और साथ में जो स्किन एजिंग है वो भी स्लो डाउन हो जाती है। इसलिए स्किन को फ्रेश और यंग रखने के लिए जरूरी है कि हम विटामिन सी अपनी डेली डाइट में जरूर लें। अब हम आते हैं हाइपरपिगमेंटेशन की तरफ। बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम है, स्किन पर डार्क पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, बाकी स्किन का कलर इन पैचेस की निस्बतन थोड़ा लाइट होता है। और अगर हाइपरपिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट की बात की जाए तो विटामिन सी उसके लिए बेस्ट रेमेडी है। हाइपरपिगमेंटेशन क्यों होती है? ये मेलानिन की वजह से होती है। मेलानिन एक पिगमेंट है जो कि स्किन में होता है और ये स्किन को डार्क कलर देता है। तो जो हाइपरपिगमेंटेशन वाले इफेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे मेलानिन की जो प्रोडक्शन है वो बाकी एरियाज की निस्बत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। विटामिन सी मेलानिन की प्रोडक्शन या उसके बनने के अमल को रोकता है, कम करता है। तो जो हाइपरपिगमेंटेशन वाले एरियाज हैं, वहाँ पे मेलानिन की अमाउंट कम होना शुरू हो जाती है और उन एरियाज का कलर लाइट होना शुरू हो जाता है। विटामिन सी स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर धूप में निकलने से रंगत खराब हो जाए तो विटामिन सी का रेगुलर यूज कॉम्प्लेक्शन बेहतर बना देता है। विटामिन सी सनबर्न से होने वाले डैमेज को रिपेयर करने के लिए एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। ये स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, उसकी क्वालिटी बेहतर बनाता है और साथ ही स्किन को यंग और स्मूथ कर देता है। अब देखते हैं कि विटामिन सी को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप इसे अपनी एवरीडे डाइट में ज़रूर ऐड करें। बहुत सी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर विटामिन सी काफ़ी मकदार में पाया जाता है, जिस तरह सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ग्रेप फ्रूट्स हैं, माल्टे हैं, लेमन है, इनमें विटामिन सी काफ़ी मकदार में होता है, स्ट्रॉबेरीज हैं, आलू हैं और भी बहुत सी वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली हैं, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। तो आप अपनी जो डेली डाइट है उसमें विटामिन सी का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपको लगता है कि आपकी डेली डाइट में इनफ विटामिन सी शामिल नहीं है तो आप उसके लिए विटामिन सी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि आपको वो सही रिकमेंडेड डोज प्रिस्क्राइब कर सके। अगर आप विटामिन सी किसी स्किन प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप अपनी स्किन की क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि आप विटामिन सी का एक्सटर्नल यूज़ करें, उसका टॉपिकल यूज़ करें। डिफरेंट किस्म स्किन केयर प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके अंदर विटामिन सी होता है। जब आप अपनी एवरीडे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लें तो स्पेसिफिकली वही चूज करें जिसमें विटामिन सी हो। इसके अलावा विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल करें और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप बहुत इजीली विटामिन सी सीरम घर पे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये विटामिन सी सीरम बहुत इफेक्टिव है, आप इसे एटलीस्ट 2 मंथ्स इस्तेमाल करें और इसके बाद आपको एक वाज़ेह फर्क देखने को मिलेगा। होममेड विटामिन सी सीरम बनाने के लिए सबसे पहले आप विटामिन सी और पानी को अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं तो इसमें एलोवेरा जेल डालकर उसे भी मिक्स कर लें। फिर इन सारी चीज़ों में एंड पे आप विटामिन ई और जो लोबान का तेल है वो मिक्स करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये सीरम 2 महीने तक ख़राब नहीं होगा, आप इसे 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको नया सीरम बनाना होगा। इसे इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसे रात के वक्त सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाएं
और जब ये एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में तो उसके बाद आप अपना कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लें। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि सुबह जब आप उठें तो बाहर निकलने से पहले या मेकअप करने से पहले आप अपना फेस अच्छी तरह से वॉश कर लें, साफ कर लें। जिस तरह स्किन के लिए विटामिन सी के बहुत से बेनिफिट्स हैं, इसी तरह से चमकदार, घने और सेहतमंद बालों के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जिस तरह ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल इसी तरह से विटामिन सी हमारे बालों को भी प्रोटेक्ट करता है। विटामिन सी बाल मजबूत बनाता है, बाल कमज़ोर, पतले होने और टूटने से बचाता है, ये बालों के दो मुंह होने से रोकता है, खुश्की दूर करता है। अगर आपके बाल गिरते हैं तो इसके रेगुलर इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप विटामिन सी अपनी डाइट में भी लें। इसके अलावा आप जो हेयर केयर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं उसमें भी विटामिन सी हो। ये थी आज की वीडियो विटामिन सी के बारे में। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। खुश रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।